And you can read them. Shri Nakli Singh. Read. After that, you. After that, you. Chairman Sahiba. Please, मैं आपको आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण समय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं अपनी बात को दो चरणों में प्रस्तुत करता हूं। पहला चरण होगा 50 साल की स्वर्ण जयंती के अवसर पर उन वीर शहीदों को नमन करने का, उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का जिन्होंने जंगे आजादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे वो लोग जो लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उनके लिए मेरे मन में और आपके मन में बहुत सम्मान है। बढ़ जाता है मानवीर का, बढ़ जाता है मानवीर कारण में बलि होने से, मूल्यवती होती है सोने की भस्म यथा सोने से। ऐसे उन अमर शहीदों को, उनमें बहुत से लोगों के नाम गिनाए जा सकते हैं और बहुत से लोगों के नाम किताबों में भी नहीं है। ऐसे वीर शहीदों को मैं नमन करता हूं। इस देश की आजादी के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाले पूज्य महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रफी अहमद किदवई साहब, खान अब्दुल गफ्फार का साहब, ऐसे अनेकों लोगों को हम लोग नमन करते हैं। मित्रों, ऐसी भी स्थिति रही है कि बहुत से लोग आजादी की लड़ाई में होम हो गए, शहीद हो गए, लेकिन उनके नाम कहीं किताबों के पन्नों पर नहीं है, किसी की जुबान पर नहीं है। भूमि के रजकण सितारे सभी आकाश के, भूमि के रजकण सितारे सभी आकाश के, बूंदिया बरसात की कोई गिन सके, किंतु भारत माँ के सपूतों की यशोगाथा बड़ी है, अपरिमित अनंत हीन मणियों की लड़ी, कोई उनको नहीं गिन सकता। वीर शहीदों को, उनकी यशोगाथा को। चेयरमैन साहिबा, आज तो हम लोग इस खुशी के माहौल में रह रहे हैं। पता नहीं आजादी के लाने के लिए कितने घर उजड़ गए होंगे, कितनी माताओं को खाली हुई होंगी उस जमाने में, और कितनी बहनों के भाई और पति चले गए होंगे। हम लोग आज उनकी वजह से यहाँ पर बोल रहे हैं। क्या होगा इस देश को, आज क्या होगा, ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई कि हम लोग शहीदों का उतना सम्मान नहीं करते जितना शहीदों का सम्मान होना चाहिए था। जिस देश में, जिस समाज में शहीदों का सम्मान नहीं होता, मुझे विश्वास है भविष्य में ऐसे देश में शहीद जन्म लेना बंद कर देते हैं। हम लोग अनेकों बार आज ये देख रहे हैं कि शहीदों के जो स्टेचूज है उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे, उनके साथ साथ में एक सिपाही भी खड़ा कर दिया गया तो भी उनकी रक्षा नहीं हो पा रही है। क्या कारण है इसका? क्योंकि हमारे अंदर देशभक्ति का अभाव हो गया, हम लोग देशभक्ति को नहीं अपना पा रहे हैं। देशभक्ति वो चीज होती है जो मनुष्य को राष्ट्र की उन्नति के लिए उसको उकसाती है, उसके लिए प्राण देने के लिए तैयार करती है। देशभक्त केवल वो होता है। सूरज करता नहीं दोस्ती, सूरज करता नहीं दोस्ती तारों से अंधियारों से, पानी करता नहीं दोस्ती शोलों से अंधारों से, शेर मिलाता हाथ नहीं कभी जंगल के श्यारों से, राष्ट्रभक्त समझौता करते नहीं कभी गद्दारों से। चेयरमैन साहिबा, गुलामी के दिनों में हम लोग देखते थे, कहां गया आज का नवयुवक, क्या दिशा दी हमने, हमारी सरकारों ने, हमारे शासन ने क्या दिशा दी हमारे नवयुवकों को, हमारे नौजवानों को। हम पढ़ते थे किताबों में गुलामी के वक्त एक पैदा हुए यहाँ पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, बर्लिन में पहला ओलंपिक होता है, वो खेलते दोनों भाई रूप सिंह और वो दोनों वहां पर, और रूप सिंह पहला गोल दागता है और वहां के हिटलर ने पहले तैयार करके कहा कि रूप सिंह के नाम पर बर्लिन के अंदर रूप सिंह रोड बनाओ, बन गई। और वो सिपाही था ध्यानचंद, और उसने ये कहा हिटलर ने, अगर मेरे देश में तुम होते तो मैं तुम्हें कम से कम लेफ्टिनेंट जनरल बना देता। और उससे परेशान होकर के अंग्रेज हुकूमत ने उनको मेजर बनाया फिर बाद में। तो आज क्या स्थिति है, आज हम खेल के जगत में कहां पर है? गुलामी के जमाने में रुस्तम जमा गामा इस देश में पैदा हुए थे, विश्व चैंपियन थे, आज क्या स्थिति है खेल में आप देख रहे हैं? क्यों नहीं नौजवानों को दिशा दी गई है? कहने का मेरा मतलब ये, आज हमारा नौजवान भटका हुआ है, वही नौजवान अपराध कर रहा है, वही नौजवान रोड होल्डिंग कर रहा है, वही नौजवान जो भटक रहा है।
जिस देश के नौजवान भटक जाते हैं, जिस देश के समाज के नौजवान समस्याओं से जूझने से कतराते हो, जिस देश के नौजवान जोखिम उठाने से डरते हो, हिचकते हो, उस देश में प्लानवाद की स्थिति आ करती है और यही प्लानवाद की स्थिति अंततोगत्वा राष्ट्र को प्राधीनता की ओर धकेला करती है। इसलिए रोक इस स्थिति को, हमारे नौजवानों को दिशा दीजिए। और मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ सभी माननीय सदस्यों के सामने और चेयरमैन साहब की इजाजत से, अगर इस देश की उन्नति आर्थिक रूप से करनी है, बहुत सी बातें होगी, करप्शन की बहुत बातें होती है, अखबार लिखना बंद कर गए, जबान भी बंद कर गई, हर घर में चर्चा है कि हाकिम अच्छा हो जो लेकर के काम कर दे, क्या स्थिति पैदा होगी? हम लोग लड़ नहीं रहे भ्रष्टाचार से, ईमानदार से नहीं लड़ रहे, तो ये स्थिति क्यों पैदा हो गई है? स्थिति इसलिए पैदा हो गई है कि हमने जो इसका मूल मंत्र है, इस देश की आर्थिक तरक्की का वो नहीं अपनाया। इस देश की तरक्की का राज किसान की तरक्की में, जब किसान तरक्की करता है, मुझे याद है सन 1967 की बात, हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, 1967 में उत्तर प्रदेश में गन्ना बहुत पैदा होता है, पहली बार गन्ने का भाव बढ़ा था उत्तर प्रदेश में, कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा था, 13.5 रुपए कुंतल सरकारी भाव था, लेकिन बढ़ते बढ़ते खंडसारी के अंदर और वो 30 तक चला गया। मैंने देखा उस समय में मजदूर की मजदूरी गाँव के अंदर 2.5 और 3 रुपए थी, बढ़ते बढ़ते एकदम बिना किसी स्थायित्व के, बिना किसी हड़ताल के, और 15 और 20 रुपए मजदूरी हो गई है। अचानक इतना उछाल हुआ क्योंकि किसान की जेब में जब पैसा आया, जब किसान की जेब में पैसा आता है, उसके मजदूर की जेब में भी पैसा आएगा, उसके कुम्हार, उसके कहार, उसके सुनार, उसके दुकानदार, सबकी जेब में पैसा आएगा। और ये गांव के लोग फिर चलेंगे शहर की ओर, शहर के अंदर जाएंगे, मोटरसाइकिल वाले की मोटरसाइकिल बिकेगी, लोहे वाले का लोहा बिकेगा, कपड़े वाले का कपड़ा बिकेगा, भट्टे वाले की ईंट बिकेगी, डॉक्टर की दवाई बिकेगी, वकील की वकालत भी चलेगी, क्योंकि गांव के लोग कभी कभी झगड़ते भी ज्यादा है। तो कहने का मतलब यह है कि शहर वालों की खुशहाली भी छिपी हुई है गांव वालों की खुशहाली में, और गांव वालों की खुशहाली छिपी है किसान की खुशहाली में। तो हम लोगों को किसान को बहुत बड़ी मात्रा में सब्सिडी देनी चाहिए। बड़े जो संपन्न देश हैं, अमेरिका जैसे देश, उसमें भी सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी से हमें नहीं चकना चाहिए। ये वो किसान है जो इस देश की आबादी का 80% है, ये वो किसान है जिसके बेटे इस देश की फौज में, नेफार लद्दाख की रक्षा में बर्फीली चट्टानों पर 80% है, ये वो किसान है जो मतदाता भी 80% है, ये वो किसान है जो अन्नदाता है और प्राणदाता है। यदि क्योंकि ये देश कृषि प्रधान देश है, किसी जमाने में कहते थे उत्तम खेती मध्यम मांग, निखत चाकरी भीख निदान, और आज उल्टा होगा, निखत चाकरी जो निखत चाकरी थी वो उत्तम चाकरी होगी, नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। इसलिए किसान का मनोबल बढ़ाइए, किसान इस देश की काया पलट कर रख देगा। एक जमाना था जब लाल बहादुर शास्त्री जी, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने आह्वान किया था 65 की लड़ाई में, PL-400C के तहत जो गेहूं आता था अमेरिका से, अमेरिका ने ध्वस पट्टी दी थी उस समय कि लड़ाई बंद करो, नहीं तो हम तुम्हें अनाज नहीं देंगे। हमारे लाल बहादुर शास्त्री देश को आह्वान किया था कि देशवासियों भूखे रह करके काम करेंगे, और आपको याद होगा इतवार के दिन, रविवार के दिन जितने ढाबे और होटल के सब बंद रहा करते थे, क्योंकि वो भारत माता के उस सपूत, उस असली बेटे धरती से जुड़े हुए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आवाज थी। और उसी समय किसान ने करवट ली और हरित क्रांति आकर के इस देश में दिखाई, और आज हम लोग खुद कफील हो गए, स्वावलंबी हो गए गेहूं के मामले में, अनाज के मामले में। तो किसान का वर्णन कीजिए, किसान वो चीज है जिसके रग रग में देशभक्ति है, सभी लोग देशभक्ति से उत्प्रोत, लेकिन किसान इस देश का प्राइवेसी है, और किसान की बहबूदी में राष्ट्र की बहबूदी है। मैं आखिर में ज्यादा न कहते हैं, चूंकि हमारे नेता ने भी मुझे कहा था, और ये कायदे की बात है, हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए, ये मान करके चलता हूं कि यदि हम लोग वास्तव में ईमानदार से भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं, देखिए क्या मिलता है जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, सबके नाम गिनाना कुछ जरूरी नहीं, सब लोग जानते हैं, क्या करोगे उस पैसे का? मगर एक बात कह दूं, बहुत से लोगों से छोटा हूं उम्र में, कई लोगों से बड़ा भी हूं, कई का भाई भी हूं, तो मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं, पैसे में सब कुछ नहीं है, पैसे से लड़का मिल सकता है पर बेटा नहीं मिल सकता, पैसे से नौकर मिल सकता है पर सेवक नहीं मिल सकता, पैसे से औरत मिल सकती है पर पत्नी नहीं मिल सकती। क्या मतलब इस बात का? जितनी जरूरत है पैसे की, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, अच्छी शिक्षा, अच्छी दवाई, इतना तो ईमानदारी में भी मिल जाता है। आखिर क्या हाल हो रहा है उन लोगों का जिनके यहाँ से बोरियों रुपए मिले, कट्टे भरे रुपयों के मिले, कहाँ स्थिति कहाँ चली? क्यों देश का, ये हरिश्चंद्र का देश, ये ईमानदार देश,
किसी जमाने का, ये महात्मा गांधी को तो बुद्ध का देश, आज क्या हो रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा बेईमान देश क्यों हो गया? जिस हरिश्चंद्र के बारे में कहते थे, जिस हरिश्चंद्र जी के बारे में ये कहते थे कि सूरज तरे चंद्र तरे तरे जग तरे जगत व्यवहार पैदल हरिश्चंद्र को तरे जग सत्य विचार, आज नेताओं की जबान का कोई विश्वास नहीं रहा पब्लिक के अंदर। किसी जमाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था रंगून में बहादुर शाह जफर के मजार पर खड़े होकर के कहा था, और बहादुर शाह जफर की वो शेर मेरे याद है, मुझे कहने की इजाजत दी जाए, जो उन्होंने कही थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जिस समय बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया तो अंग्रेज ने एक शेर पढ़ी थी, दम दमे में दम नहीं खैर मानो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो उस बूढ़े बादशाह ने क्या कहा था, गाजियों में बूहे जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चले जीते गए हिंदुस्तान। आज क्या हो रहा, आज नेतृत्व कहाँ चला गया, आज राष्ट्र की तत्व का अभाव होगा, आज चुनावी नेता है, चुनावी नेता होता जो ये चुनाव जीतना जानता है, आज राष्ट्र की तत्व का अभाव होगा, राष्ट्र की तत्व होता है जो अगली पीढ़ी की सोचता है, आने वाले समाज की सोचता है, आज क्या होगा, आज तो नेता इतने जहरीले हो गए कि उनके पास जाने को तबीयत नहीं करती, आज तो नेता को अगर कोई सांप भी काट ले ठोके से तो सांप चला जाएगा नेता नहीं जाएंगे। एक सांप ने एक नेता को डसा, एक सांप ने एक नेता को डसा, नेताजी बजे में और सांप चल बसा। तो मैं अपने सम्मानित सदस्यों से और माननीय चेयरमैन साहिबा से ये प्रार्थना करते हुए सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आखिर देश में गया क्या और पाया क्या, पाया भ्रष्टाचार, पाया अपहरण, पाया आतंकवाद, पाई दुनिया भर की अनेक बुराइयां, नेताओं का विश्वास कम हुआ और खोया हमने राष्ट्रीय चरित्र। अगर एक वाक्य में कहा जाए, राष्ट्रीय चरित्र हमारे पास नहीं रहा, नेशनल करेक्टर हमारे पास नहीं रहा, नेशनल करेक्टर की जरूरत है। कुछ भी योजना बनाओ आप, कितनी बढ़ाए बनाए, कोई सरकार बनाए, एक से एक अच्छी योजना लागू करें, लेकिन उसका फॉलोअप नहीं हो पाएगा, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा जब तक कि हमारे समाज में नेशनल करेक्टर नहीं होगा। इसलिए ज्यादा न कहते मात्र इतना निवेदन करता हूं, हर पार्टी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे नेता है, बड़ी अच्छी उनकी विश्वसनीयता है, सारे मिल करके इकट्ठे होकर के इस स्वर्ण जयंती के इस स्पेशल सेशन के माध्यम से एक योजना तैयार करो कि कुछ भी करेंगे, कुछ भी अपनी पार्टी की नीतियों पर चलेंगे, लेकिन किन्हीं भी परिस्थितियों में हम राष्ट्रीय चरित्र को नहीं गंवाएंगे। राष्ट्र पहले, राष्ट्र सबसे पहले, हम बाद में। हम दिन चार रहे न रहे, हम दिन चार रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे माँ। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।